चलिए बच्चों, कैसे हो भाई? रिवीजन पार्ट वन आपने देखा था, एनटीए पेपर वन के साथ में बायोलॉजी का। मेरे हिसाब से अच्छा लगा आपको, है ना? रेस्पॉन्स ठीक है आप लोगों का, और कुछ बच्चों ने तो फोन करके भी बताया कि सर इससे टॉपिक के रिवीजन में हेल्प मिली। तो इसके बाद में हम लोग आते हैं एनटीए पेपर टू, ठीक है? और एनटीए टू वही अच्छे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ में थ्योरी को रिवीजन करने का तरीका, ठीक है? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोलता है लाडलू? वो बोलता है कि भ्रूणोद्भव, है ना, भ्रूणोद्भव की बात करता है। भ्रूणोद्भव में भ्रूण का परिवर्तन होता है, तो ये कह रहा है युग्मनस से होता है। नो डाउट, पहली बात यही कि युग्मनज लैंगिक जनन करने वाले जीवों की पहली कोशिका है, ये तो ध्यान रखना ही है। अब ये कह रहा है युग्मनज से जब भ्रूण बनता है तो क्या क्या होता है? तो सीधी सी बात है, युग्मनज एक कोशिका है, सभी जीवों की पहली कोशिका है, टू एन है, इससे आपको भ्रूण बनाना है ना। तो सबसे पहले युग्मनज का साइज काफी बड़ा होता है, और साइज काफी बड़ा होने के कारण इसमें जल्दी जल्दी विभाजन करना पड़ता है, जल्दी जल्दी विभाजन करना पड़ता है। उसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा सेल साइज डिक्रीज होता है, और सेल साइज डिक्रीज के साथ में के आई बढ़ जाता है। और जब एक बार के आई यानी कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाता है, तो उसके बाद में कोशिका का विभेदन आरंभ हो जाता है, भ्रूण का विभेदन आरंभ हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन आरंभ हो जाता है। तो कुल मिला के जाइगोट से, अच्छा ये जो तेज विभाजन होता है इसको क्लीवेज कहते हैं, क्लीवेज बोले तो विदलन कहते हैं, ठीक है? तो युग्मनज से भ्रूण बनाने के लिए आपको विदलन भी करना है और विभेदन भी करना है। क्वेश्चन बनता है विभेदन भ्रूण की किस अवस्था में आरंभ होता है? तो कोई गैस है आपका? तो मेरे हिसाब से गैस सिंपल सा है, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला अवस्था में विभेदन आरंभ होता है। आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, भ्रूण बनते समय युग्मनज से कौन कौन सी घटनाएं होती है? मियोसिस ना, ये तो पहले ही हो गई भाई, और क्लीवेज और डिफरेंशिएशन दोनों होते हैं, तो आंसर हो गया सेकंड, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ सीखने को मिला, ये 12th के पहले पार्ट का था। दीर्घ जीवन जो ही आ गया चैप्टर नंबर 9, ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा विविधता वाले जीवाणु कहाँ मिलेंगे, ठीक है? तो सबसे ज्यादा विविधता वाले जीवाणु की मैं बात करूं तो प्रोटीन की इकाई क्या है भाई, प्रोटीन की इकाई क्या है, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड आपके पास सीधे सीधे 20 तरीके के हैं, ठीक है? और 20 तरीके के एमिनो एसिड से, 20 तरीके के एमिनो एसिड है प्रोटीन बनाने के लिए, और उससे आपको बनाना होता है क्या, क्या बनाना होता है, प्रोटीन, और उसके बीच में बॉन्ड वॉन्ड बनते हैं। तो प्रोटीन एक तरीके का विषम बहुलक है, ध्यान रखना, हिटेरो पॉलीमर, और बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं भाई, है ना? स्ट्रक्चरली भी बहुत सारे बनते हैं, और काम के हिसाब से भी बहुत सारे बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है, मोनोसेकेराइड, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड खुद ही डीएनए में चार तरीके, आरएनए में चार तरीके होते हैं, ठीक है? और लिपिड की यूनिट क्या है, तो लिपिड तो कभी बहुलक बनाता ही नहीं, तो ये ध्यान रखना, अपने आप में नीट का बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा जीवाणु, अच्छा लिपिड तो वैसे मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं है, ठीक है ना? तो कौन सा जीवाणु बहुलक नहीं बनाता, तो भैया वो कौन सा है, लिपिड। न्यूक्लिक एसिड की इकाई न्यूक्लियोटाइड, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का आंसर साथ में मिल रहा है, प्रोटीन सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला अणु है, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा चल रहा है मामला। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन किस घटना में निकालेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण कहते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दो अभिक्रियाएं चलती है भाई, एक चलती है लाइट रिएक्शन, एक चलती है डार्क रिएक्शन, ठीक है? तो सच्ची बात तो ये है कि ऑक्सीजन किस अवस्था में निकलती है, लाइट रिएक्शन में। लाइट में भी दो चलती है मेरे चांद तारों, एक चलती है साइक्लिक ईटीएस, एक चलती है नॉन साइक्लिक ईटीएस। मजा तो आ रहा है समझने के अंदर, और साथ साथ में रिविजन भी हो रहा है। नॉन साइक्लिक ईटीएस ने के अगर जेड स्कीम कहते हैं, ठीक है? तो जेड स्कीम के अंदर आपको पता है कि
साइक्लिक ईटीएस के अंदर तो सिंपल से एटीपी बनते हैं, नॉन साइक्लिक ईटीएस के अंदर एटीपी भी बनता है, एनएडीपीएच प्लस एच प्लस भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। और ऑक्सीजन क्यों बनता है? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, ठीक है। तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। और जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि कहने का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना, और उससे ऑक्सीजन निकलती है। ध्यान रखना भैया, रिएक्शन तो फिर कभी किसी क्वेश्चन में टॉपिक की बात कर लेंगे। और उस समय आपको Mn2 प्लस और Cl माइनस चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? तो ऑक्सीजन निकालते समय प्रकाश संश्लेषण में लाइट रिएक्शन, लाइट में जेड स्कीम, जेड स्कीम में जल का प्रकाशिक अपघटन, और ये Mn2 प्लस और Cl माइनस अपने काम आ जाएंगे। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि फर्स्ट फोटोसिंथेसिस अर्थ पर किसने किया, बताओ देखें। तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस अर्थ पर किसने किया? तो दिमाग में कईयों के आ रहा होगा सर बीजीए ने किया, तो गलत जवाब। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस की बात करें तो भैया उसमें ऑक्सीजन नहीं निकला था, वो नॉन ऑक्सीजेनिक था, ठीक है ना। और नॉन ऑक्सीजेनिक था तो वो था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये अपने आप में नीट के क्वेश्चन है, एम्स लेवल के क्वेश्चन है। और आपसे कोई पूछ ले फर्स्ट ऑक्सीजन वाला फोटोसिंथेसिस किसने किया, तो वो किसने किया? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रही है कि मेल दिया था ये? समझ में आ रहे हैं क्या मेल डे क्वेश्चन? पढ़ने के तरीके मजा आ रहा है क्या? टॉपिक के नाम पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के नाम पर टॉपिक, ठीक है। सीधा सीधा हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ लिए। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलते समय Cl और Mn चाहिए जेड स्कीम के अंदर। पहला फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक था, बैक्टीरिया ने किया पर्पल सल्फर जैसे ने, लेकिन ऑक्सीजन वाला बीजीए ने किया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषण के आगे। चौथा बढ़िया वाला क्वेश्चन लग रहा है भाई मेरे को ये। ये कह रहा है कि CO2 ब्लड में खूब चलती है। आपको याद होगा CO2 अम्लीय गैस है, एसिडिक है, केमिस्ट्री बोलती है, फिर भी रुधिर अम्लीय नहीं होता, क्यों? तो यार ये तो जोरदार वाली बात है ना। रुधिर में CO2 घूम रही है और रुधिर की पीएच क्या है बताओ देखें, ब्लड की पीएच। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, 7.4, ध्यान रखना, हल्का सा क्षार ही है। तो ये कह रहा है CO2 के चक्कर में ये रुधिर अम्लीय क्यों नहीं होता? तो भाई CO2 का, ऑक्सीजन का, इनका आना जाना तो लगा रहेगा। पीएच को क्षारीय मेंटेन करने के लिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात केमिस्ट्री से निकल के यहां पे आती है, बफर। ध्यान रखना बफर का गेम है सीधा सीधा, जो पीएच को मेंटेन करता है। और बफर आपके मेनली तो किसका हो जाता है? बाइकार्बोनेट का। मेनली किसका हो जाता है? बाइकार्बोनेट का। थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन भी रोल प्ले करता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी रोल प्ले करता है, ध्यान रखना। तो CO2 लगातार विसरित होती है इसलिए इकट्ठी नहीं होती। इकट्ठी से मतलब नहीं है भाई, अगर है तो अम्लीय कर सकती है। CO2 पानी के साथ H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड जो इसको न्यूट्रल कर देता है। CO2 के ट्रांसपोर्ट में रुधिर का बफर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ध्यान रखना। ये सीधा सीधा आंसर आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और है, CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड में कैसे होता है? तो CO2 का ट्रांसपोर्ट अगर मैं ब्लड में आपको बताता हूं तो सीधा सीधा कैसे होता है? तो CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड के अंदर 70% CO2 कहाँ जाती है? फेफड़ों में जानी। तो 70% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहित होती है, ठीक है। और 23% CO2 अपने आप में क्वेश्चन है। देखो भाई मैं तो सीधी बात के बोलूं था ना कि क्वेश्चन से थ्योरी समझना, उसमें ही मजा है, उसमें ही रिवीजन है। 23% एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन लाडलो, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और 7% CO2 प्लाज्मा में घुलित रूप में, प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में परिवहित होती है। हमारी बात समझ में आई क्या? तो आंसर ये हो गया। उसके साथ हमने ब्लड की पीएच और CO2 के परिवहन और बफर की बात कर ली। चलें अगले क्वेश्चन पे, मेरे साथ जुड़े रहें, खूब अच्छा रिवीजन। अगला क्वेश्चन सिंपल सा लग रहा है।
ये कह रहा जानवरों का भोजन की बात, देखभाल की बात, प्रजनन की बात, उपयोग की बात, ये सब अब जब हम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। ये तो वो होता ना बिना देखे बिना सोचे बिना समझे आंसर देने वाला। पोल्ट्री हो गया, कुक्कुट पालन, ठीक है ना। ध्यान रखना कुक्कुट पालन में खाली कुकड़े ही नहीं पालने, दूसरे पक्षी भी पाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। गीज टर्की उनकी भी बात कर सकते हैं। वेटनरी में सारे जिनावरों की बात करते हैं, डेयरी में दूध की बात करते हैं। आंसर ये हो गया एनिमल ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलें आगे देखें, चलें आगे। अच्छा एक कोई किस्म बता दो मेरे को गाय की बढ़िया सी एनसीईआरटी से निकाल के। तो एनसीईआरटी में एक गाय की बढ़िया सी किस्म दे रखी है साहीवाल, ठीक है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कौन से टॉपिक का निकल के आता है? अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं ब्लड प्रेशर को मापते कहाँ है भाई? सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मापते कहाँ है? बोलो 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 बोलो। तो बाहु धमनी में मापते हैं, ब्रेकियल आर्टरी। ध्यान रखना ब्रेकियल आर्टरी बायो के रिविजन का मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे बेस्ट तरीका आपके सामने चल रहा है नागौर संस्कार एकेडमी से। सुने जाओ, लोगों को बताए जाओ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे जाओ, मौज हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर ब्रेकियल आर्टरी में मापते हैं। मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। आपको बढ़िया सा डॉक्टर बनना है, फिर बढ़िया सा बीपी मापना है, बढ़िया सा लोगों का इलाज करना है, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या कहता है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो 130 से 130 और 90। अच्छा आइडियल बीपी क्या है? आइडियल बीपी क्या है? 120 और 80, ठीक है। 120 और 80 की हम लोग बात करते हैं। 120 हो गया आपका सिस्टोलिक बीपी और 80 हो गया डायस्टोलिक बीपी, प्रकुंचन और अनुशीथिलन दाब, ठीक है। तो 120 से ऊपर चला गया और ये 90 चला गया, हाई एंड रिक्वायर ट्रीटमेंट, ठीक है। नंबर दो क्या कह रहा है? 105-55 mmHg आइडियल। अरे गलत, बिल्कुल गलत, ऐसी कोई बात करता है? 105-50 आदमी को बहुत एक्टिव करता है। अरे काय का एक्टिव करता है? 190-110 में वाइटल अंग, ब्रेन और किडनी गड़बड़ हो जाएंगे। ध्यान रखना पहले ऑप्शन में भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेना। लेकिन चौथे ऑप्शन में अपने आप टेंशन की सिचुएशन है बच्चों, हाइपरटेंशन का सिचुएशन है, और हाइपरटेंशन के अंदर किडनी और ब्रेन डैमेज हो सकते हैं। आंसर सीधा सीधा क्या जाएगा? आंसर सीधा सीधा क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया ब्लड प्रेशर, बाहुधमनी, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां डीएनए से निकल के आता है। डीएनए का सीक्वेंस ये है, और ये कह रहा है कि उसके पूरक क्रम का सीक्वेंस क्या होगा। पूरक क्रम का सीधा सा पूरकता का नियम क्या कहता है? पूरकता का नियम क्या कहता है? ए का पूरक टी होगा और जी का पूरक सी होगा डीएनए में, ठीक है। और अगर आप इसको आरएनए में लेते हो तो हम क्या कह सकते हैं? टी के स्थान पर यू आ जाएगा। एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। तो जी का पूरक सी, सी का पूरक ए, टी ए और सी। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो कौन सा मिलेगा भाई आपको? सी का जी, ठीक है ना। तो सी जी टी ए सी, ये रहा भाई दूसरा। सीधा सीधा पूरकता का क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी? सीधा नीट का क्वेश्चन है, रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से डीएनए बनाना और डीएनए से आरएनए बनाना पूरकता के सिद्धांत की पालना करती है। 100 स्टार क्वेश्चन मान लेना, वाले कैडबरी पॉइंट मान लेना, ठीक है। चलें आगे। तो ये भी अपना क्वेश्चन हो गया डीएनए वाले चैप्टर से। बहुत इजी क्वेश्चन आता है डॉक्टर बनना, तो अगर रिवीजन अच्छा है, एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी है, थोड़ी फिजिक्स बढ़िया पढ़ लेते हो तो मामला जम जाता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? कॉलर सेल्स, स्पंजोसील। स्पंजोसील कहते ही मेरे दिमाग में आ जाता है स्पंज,
ठीक है, इस पंच कहते ही मेरे दिमाग में आ जाता है पोरी फेरा। सबसे सरलतम जंतु कौन है, सिंपलेस्ट एनिमल कौन है, ध्यान रखना सिंपलेस्ट एनिमल कौन है, पोरी फेरा, ठीक है। और इनमें टिश्यू नहीं होता, सेल लेवल का शरीर संगठन होता है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। पाइला किधर जाएगा, मोलस्का में। टीनिया किधर जाएगा, अपना इधर चला जाएगा हेलमिंथ के अंदर, ठीक है, हेलमिंथ के अंदर। जेलीफिश, जेलीफिश किधर जाएगा, निडेरिया के अंदर, निडेरिया के अंदर, ठीक है, निडेरिया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सिलेंट्रेटा। ये अपने आप में एग्जांपल है, एक बहुत अच्छी बात। हर मछली मछली नहीं होती, नाम है फिश लेकिन संग कौन सा, निडेरिया, ध्यान रखना। तो कॉलर सेल्स किसकी बात करेगा, साइकोन की या स्पंज की या पोरीफेरा की बात करेगा। और कॉलर सेल्स के लिए मैं एक चीज और बोल सकता हूं, कोएनोसाइट सेल। कभी कभी कॉलर सेल की जगह ये लोग क्या नाम दे देते हैं, कोएनोसाइट कोशिका। बात समझ में आ रही है क्या, मजा आ रहा है क्या? तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को भी बताना, ताकि आपको दुआ लगेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं, नौवां। नौवां क्वेश्चन कहता है पीसीआर। पीसीआर बोले तो पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, मुलिस ने दी थी भाई। और ये एक तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन ही है भाई, डीएनए प्रतिकृति करनी है। बस कहाँ पर है, लैब के अंदर है, लैब के अंदर है। तो बोले क्या कह सकते हैं, इन विट्रो डीएनए की कॉपी करना। डीएनए के लिए अभी मैंने कहा था, कॉपी करने के लिए कौन से सिद्धांत की पालना होती है, पूरकता। ए का पूरक टी है, जी का पूरक सी है। लैब के अंदर ये क्रिया होती है और बहुत महत्वपूर्ण है। ताप स्थाई एंजाइम, थर्मो स्टेबल एंजाइम इसमें यूज होता है। किसी को नाम याद आ रहा है क्या, नीट में 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक पढ़ाते हुए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है ये आपको सबसे अच्छी बायोलॉजी लगे अब तक आपने जहाँ पे भी रिवीजन किया या पढ़ाई की है। 3 स्टेप एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला स्टेप है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में तोड़ना, और उसके लिए जो स्टेप काम आता है वो विकृतीकरण होता है, डीनेचुरेशन होता है। फिर उसके बाद उस पर प्राइमर जोड़ना, प्राइमर जोड़े जाते हैं, याद आता होगा आपको रिवीजन के तौर पर। 2 प्राइमर आपको जोड़ने पड़ेंगे, और 2 प्राइमर जब जोड़ते हैं तो प्राइमर एनिलिंग की बात। और प्राइमर जोड़ दिया तब आपको नई श्रृंखला बनानी है, और नई श्रृंखला हमेशा किस दिशा में बनेगी, लाडलू 5-3 दिशा में, और उस क्रिया को बोलते हैं विस्तार। तो पहले विकृतीकरण, फिर उसके बाद एनिलिंग, फिर उसके बाद विस्तार। ऑप्शन सीधा सीधा ये निकल गया था, टॉपिक रिवाइज हो गया होगा। मुलिस को नोबेल प्राइज भी दे दिया गया है, ठीक है ना। नोबेल प्राइज बढ़िया चीज है, दुख पाता है तब मिलता है। आप भी दुख पाओ तो सुख मिलेगा जिंदगी में, मौज ही मौज हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और करना ही चाहिए। सीधी सी बात, इतना बढ़िया नॉलेज मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, रिवीजन मिल रहा है नीट के लिए, ठीक है। अगली बात, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सबको पता है, 10 स्टेप रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस सबको पता है, फर्स्ट साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन है। अपने आप में नाम लेते ही मैं तो आपको बढ़िया बढ़िया नीट के क्वेश्चन फेंक रहा हूँ आपके ऊपर, कैच करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला साइकिल है, 10 स्टेप है। ये कह रहा पानी किस अभिक्रिया में निकलेगा, पानी किस अभिक्रिया में निकलेगा ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर आपको याद हो तो 9वें स्टेप में फ्रक्टोज, पहला ये फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बन रहा है। इस समय तो भैया एटीपी का खर्चा होएगा, ध्यान रखना एटीपी का खर्चा होएगा, ठीक है। और 3 पीजीए से 1,3-डाई पीजीए बनता है। पीपी से पाइरुविक एसिड बनता है, यहाँ ध्यान रखना 2 एटीपी बनेंगे, 2 पीपी और 2 पाइरुविक एसिड से। अब यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट है, उससे पीपी बनाते समय H2O बाहर निकलता है। ये स्टेप नंबर 9 है, ध्यान रखना। स्टेप नंबर 9 में पीपी बनता है, और स्टेप नंबर 10 के अंदर पीपी से पाइरुविक एसिड बनता है। ग्लाइकोलाइसिस, 10 स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन,
ठीक है, और चाहे कोई सा भी श्वसन हो। एक और बढ़िया कूटरी बात बता देता हूँ आपको, वायवीय श्वसन हो बच्चों चाहे अवायवीय श्वसन हो, कन्फर्म है कौन सी क्रिया तो होनी पड़ेगी, ग्लाइकोलाइसिस तो होनी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ी बहुत ऊर्जा बनती है, कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में यानी साइटोसोल में। पानी निकलने वाला क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपको, ये वो क्वेश्चन है जो रैंक डिसाइड करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी का पूरा नाम बताओ, बच्चा राजी होता है कि अरे सर मेरे 4 नंबर आ गए, मैंने बता दिया साइनोबैक्टीरिया होता है, अरे मेरे लाडले ये 15 लाख में से 13 लाख का सही है, ज़्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सेल जंक्शन है, ठीक है, कोशिका की संधियाँ, 3 तरह की संधियाँ, टाइट संधि, असंजी संधि, गेप संधि, ध्यान रखना टिश्यू वाला पार्ट है, 7वां पार्ट है, मुख्यतः उपकला उत्तक में पाए जाते हैं, मेनली एपिथीलियम टिश्यू, ध्यान रखना एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ओनली एपिथीलियम नहीं है, मेनली एपिथीलियम टिश्यू एंड अदर टिश्यू की बात यहाँ पे की हुई है। टाइट जंक्शन का क्या काम है, ये कोशिकाओं के बीच में से किसी भी प्रकार के क्षरण को रोकेगा। असंजी जंक्शन का क्या काम है, ये 2 कोशिकाओं के बीच में सीमेंट जैसा काम करेगा। और गेप जंक्शन का क्या काम है, ये छोटे और कदई कदई बड़े अणुओं के आने जाने में हेल्प करेगा। आपको एनसीईआरटी के पन्ने याद आ रहे होंगे, कोई पन्ना याद नहीं आता तो वीडियो को रोक के वो पन्ना पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के बाद में पढ़ सकते हैं, शेयर तो कर ही सकते हैं, लोगों को सब्सक्राइब के लिए तो कह ही सकते हैं, ठीक है, फायदा मिलेगा, दुआ मिलेगी। चले आगे, अगला क्वेश्चन इन सीटू कंजर्वेशन इकोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बोलते स्व स्थाने संरक्षण, यानी अगर कोई जाति समाप्त होने वाली है तो उसका संरक्षण अगर उसी स्थान पे किया जाए जहां वो रहती है तो उसे स्व स्थाने संरक्षण कहते हैं, और अगर वहां पर नहीं कर सकते, अगर उसे कृत्रिम आवास में लेकर आते हैं, कृत्रिम आवास में उसको संरक्षित किया जाता है इन आर्टिफिशियल हैबिटेट, तो देन उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थाने संरक्षण। सीधा सीधा पता चल रहा है ये बगीचे नाम की चीजें क्या है, एक्स सीटू है, ठीक है, तो कौन सा इन सीटू नहीं है। अच्छा एक चीज आपको समझ में आ रही है, मैं क्वेश्चन इतना आसानी से सॉल्व क्यों कर पा रहा हूं, जब आपको एनसीईआरटी के फंडे, एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी के डायग्राम अच्छे से याद हो तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता आंसर ही है, इसलिए आप इतना अच्छे से समझिए। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 90 के आसपास नेशनल पार्क हैं ध्यान रखना, 500 के आसपास सेंचुरी हैं और शायद 14 के आसपास बायोस्फीयर रिजर्व है, थोड़े बहुत डाटा ऊपर नीचे हो सकते हैं। बात समझ में आ गई कि जहां जीव रहता है वहीं पे संरक्षित करना स्वस्थाने कहलाता है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए आगे, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, पढ़ते हुए, एक नई फसल बनी है और जिससे लुब्रिकेशन यानी चिकनापन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। चिकनापन के लिए मैं या तो म्यूकस बोलता हूँ लाडलों, और या फिर बोलता हूँ मैं वैक्स यानी कि मोम बोलता हूँ, मेरे साथ आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, पढ़ाई में आपको फ़ायदा हो रहा होगा तो आप लगे रहिए। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आंसर यहाँ पे मिलता है म्यूकस या वैक्स के लिए वो है सिमांसिया चाइनेंसिस। ये वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है लेकिन कभी कभी पूछा जाता है। जोजोबा एक पादप है, उसके बीजों से ये आपको स्नेहक पदार्थ मिलते हैं मशीनों के अंदर चिकनापन बनाए रखने के लिए, ठीक है। पार्थिनियम अगर आपको याद हो तो पार्थिनियम को हम लोग गाजर घास कहते हैं, कैरेट ग्रास कहते हैं, और कैरेट ग्रास कभी कभी पोलन एलर्जी कर देता है, छींक आती है, नाक में से पानी आता है, कभी कभी ताव भी चढ़ जाता है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन परखनली शिशु यानी कि 12th के 14वें पार्ट, 4th पार्ट का। परखनली शिशु का मतलब क्या हो गया कि आपको परखनली के अंदर बच्चा नहीं बनाना है, ऐसे थोड़ी है कि कोई कांच की परखनली ली और उसमें 9 महीने बच्चा कैसे बनाओगे भाई। इसका सीधा सीधा मतलब है परखनली के अंदर आपको जाइगोट बनाना है, शुक्राणु और अंडे को मिलाना है और युग्मनज बनाना है, और उसको अर्ली स्टेज में
अर्ली स्टेज में फीमेल में ट्रांसफर कर देना है, और फीमेल में अब इस बच्चे का परिवर्तन हो जाएगा, इसको परग्नरी शिशु कहते हैं। तो निषेचन होगा बाहर, बच्चे का डेवलपमेंट होगा अंदर। बात क्लियर है? इससे आंसर अगर आप निकालना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से सीधा सीधा तीसरा निकलता है। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। सोडियम पोटेशियम पंप बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट का, जब मन में आए ये क्वेश्चन आ जाता है। पंप की बात करते ही एटीपी का खर्चा तो होएगा भाई, ठीक है, तो एटीपी के खर्चे के लिए तैयार रहिए। अब हम बात करते हैं, वो बात अलग, इस रिवीजन में आपके खाली डाटा खर्च हो रहे हैं, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, यहाँ एटीपी जरूर खर्च हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए, वो भी एनटीए के पेपर के साथ, एनसीईआरटी की बायोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहा है कि एटीपी खर्चा होता है सोडियम पोटेशियम पंप में, तो क्या चेंज होता है, ठीक है। तो लाडलो, ये नर्व की एक्सोप्लाज्म, एक्सोलीमा, ठीक है, एक्सोन पर एक्सोलीमा, ठीक है। अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो बच्चों होता है एक्सोप्लाज्म, ठीक है, और बाहर की तरफ बोलते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय द्रव, और इसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक और बात, आप है ना वीडियो में कमेंट वमेंट बढ़िया बढ़िया कर दिया कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगता है उनको पढ़ना, ठीक है। चलिए, एक्सोप्लाज्म, एक्सोलीमा, ईसीएफ, जब यहाँ पर उद्दीपन मिलता है तो सोडियम पोटेशियम पंप जब एक्टिव होता है, एटीपी खर्च होते हैं, तो सीधा सीधा क्या होता है कि तीन एनए प्लस बाहर जाते हैं और दो के प्लस अंदर आते हैं। ये नर्व की मैकेनिज्म और मसल की मैकेनिज्म से काफी फेमस क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, दो के प्लस अंदर आते हैं, तो थ्री एनए प्लस पंप्ड आउट एंड टू के प्लस टेकन इन। ये आंसर सीधा सीधा अपने सामने हो गया, तंत्रिका वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अगली बात, सोइल का बैक्टीरिया एक प्रोटीन बनाता है जो कीड़ों के लिए विषैला है, ध्यान रखना सोइल का बैक्टीरिया। तो सबसे पहले ट्राइकोडर्मा तो कट गया भाई, क्योंकि ट्राइकोडर्मा तो क्या है, फंजाई है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा फंजाई है, नो डाउट। ये पौधों को, ध्यान रखना नीट का क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों को रोगों से बचाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि पौधों की जड़ों को रोगों से बचाने वाला कवक कौन सा है, रोगों से बचाने वाला कवक कौन सा है, ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोडर्मा का ग्रुप कौन सा है, किसी को याद है क्या, किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कौन सा है, लाडलो, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज की अच्छी बात क्या है, इसको फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी बोले तो ये अपूर्ण कवक हैं। अरे मेरी बातें थोड़ी थोड़ी आपको एनसीईआरटी याद करा रही क्या, याद दिला रही क्या, तो चलो ठीक है। स्पाइरोचेट बैक्टीरिया हैं, ये भी बैक्टीरिया हैं, स्पाइरोचेट स्पाइरल टाइप के बैक्टीरिया हैं, सबसे फेमस कीड़ों को मारने वाला विषैला पदार्थ, प्रोटीन, बैक्टीरिया, बेसिलस थुरिंजियंसिस। लप्पू सा क्वेश्चन है, लेकिन अपना मेन पर्पज क्वेश्चन करना नहीं हो रहा है, अपना मेन पर्पज क्या हो रहा है कि हम क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन के नाम पर रिवीजन कर लें बायोलॉजी का, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, सत्रहवां, सार्कोमियर, ध्यान रखना भाई, सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल या यूं कहें फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, कंकाली पेशी की क्रियात्मक इकाई, ठीक है, कंकाली पेशी की क्रियात्मक इकाई। कंकाली पेशी को कुछ लोग ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, क्योंकि हम उनका नियंत्रण कर सकते हैं, और कुछ लोग इसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड बनते हैं, किसके द्वारा लाडलो, एक्टिन और मायोसिन के द्वारा। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अब इसमें अगर आपके सामने डायग्राम बनाता हूं तो ये लगभग लगभग इस तरीके का सीन बनता है, ठीक है, और ये इस तरीके की बात बनती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, और दो जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ये आई बैंड की बात बताएगा, ये एक्टिन की बात बताएगा, ये मायोसिन की बात बताएगा। थोड़ा थोड़ा डायग्राम आपको यहाँ क्लियर हो रहा है, और एनसीईआरटी से जाकर आप देख लेंगे। सार्कोमियर कंकाली पेशी की
क्रियात्मक इकाई, ठीक है, और दो जेड लाइन के बीच की दूरी को कहते हैं। लगभग लगभग 2.5 एंगस्ट्रोम के आसपास इसका मान होता है। इसी को ऐच्छिक पेशी, रेखित पेशी कहते हैं, डार्क बैंड लाइट बैंड होते हैं। अगला क्वेश्चन एडीए, एडीए का क्वेश्चन आता है, एडीए का नाम क्या है भाई? एडीए का नाम है एडीनोसिन डी एमिनेज। ध्यान रखना सीधा नीट का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है। एडीनोसिन डी एमिनेज ये एक एंजाइम है, और एडीनोसिन डी एमिनेज एंजाइम ध्यान रखना लिम्फोसाइट बनाती है। लिम्फोसाइट में भी मैं कह दूं दो तरह की होती है, उसमें से टी लिम्फोसाइट बनाती है। ये एंजाइम क्या काम आता है ध्यान रखना, ये एंजाइम बच्चों आपकी दो तरह की प्रतिरक्षा, एएमआईएस यानी एंटीबॉडी आधारित प्रतिरक्षा और सीएमआईएस यानी सेल आधारित प्रतिरक्षा, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये एंजाइम नहीं बनता है, इफ दिस एंजाइम इज एब्सेंट, तो एक रोग हो जाता है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी डिजीज। और ये ध्यान रखना यहाँ से नीट का अगला क्वेश्चन बनता है, 1990 में दुनिया में पहली बार एक चार साल की लड़की का SCID रोग का उपचार पहली बार जीन थेरेपी द्वारा किया गया। जीन थेरेपी द्वारा किया गया SCID रोग क्या है, जिसमें ADA एंजाइम की जीन का डिलीशन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 से 7 बार आया हुआ अलग अलग एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, तो आपको पल्ले पड़ रहा होगा ये बात, ठीक है। तो ADA एडीनोसिन डी एमिनेज अगर ये नहीं बना तो SCID रोग पहली बार जीन थेरेपी द्वारा इस रोग को उपचारित किया गया। बायोटेक का क्वेश्चन है अमेरिका के अंदर, अमेरिका वाले करते हैं, अपने वाले तो मौज करते हैं, ठीक है ना, पढ़ने का कहो तो पढ़ते हो और नहीं रिवीजन कहो तो वो भी नहीं करते, क्या करो रे, ठीक रहता है। अगली बात, अब ये कहता है कि कौन इनमें से हैं जो N2 का उपयोग पोषक के रूप में ले लेता है। N2 बड़ी दिक्कत है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और N ट्रिपल बॉन्ड N के चक्कर में लाड लो ये अक्रिय होती है, ठीक है। अब अक्रिय है तो इसका यूज केवल वो कर सकते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए केवल और केवल मेनली प्रोकैरियोट होते हैं, और प्रोकैरियोट में मेनली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो म्यूकर तो किधर चला गया, फंजाई में, स्पाइरोगाइरा भी नहीं करता है। राइजोबियम सबसे फेमस बैक्टीरिया है, इसके साथ में आपके फ्रेंकिया भी हैं, इसके साथ में आपके एजोटोबैक्टर भी हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में बदल देते हैं NH3 या NH4+, ताकि उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड बनाने में या प्रोटीन बनाने में किया जा सके। मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्वेश्चन है। मिथेनोकोकस कौन है, मिथेनोबैक्टीरिया जो मिथेन बनाते हैं, मेनली मार्शी एरिया में रहते हैं। रिवीजन हो रहा होगा, आप इसको एक एक क्वेश्चन का रिवीजन भी देख सकते हैं, पांच पांच का भी देख सकते हैं, पूरा भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको फायदा हो रहा होगा और फायदा डेफिनेटली होगा। अगर आप इस सीरीज में 5 से 7 NTA के पेपर मेरे साथ सॉल्व कर लिया तो आपको लगे यार बायो तो यहाँ से रिवीजन हो सकती है, हमको तो कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, रोज एक वीडियो देखो मस्त रहो, बात खत्म। अगली बात, हाँ दूसरों को भी बताते रहो, उनको भी फायदा होना चाहिए, वो उठाएं नहीं उठाएं हमको अच्छा लगेगा। टोबेको और पिटूनिया, ठीक है, टोबेको का नाम निकोटियाना, इससे एक निकोटीन नाम का एल्केलॉइड मिलता है, ध्यान रखना निकोटीन नाम का एल्केलॉइड मिलता है, और निकोटीन एल्केलॉइड ध्यान रखना बहुत खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक, CO2 से भी गंदी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है ब्लड के अंदर, और भी इसके खूब विशेष प्रकार के हानिकारक प्रभाव हैं शरीर में, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ा देता है जिससे हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो जाता है, ध्यान रखना। पिटूनिया एक डेकोरेटिव प्लांट है, डेकोरेटिव बोले तो सजावटी पौधा है, और ये किन फैमिली के हैं तो सोलेनेसी फैमिली के हैं, सोलेनेसी फैमिली को NCRT आलू कुल यानी पोटेटो फैमिली कहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, ये तो NTA फर्स्ट की तरह लाइकेन का ही आ गया भाई, लाइकेन कौन है,
एल्गी और फंजाई का प्लस प्लस रिलेशनशिप सहजीवी संबंध है, ठीक है। लेकिन इस सहजीवी संबंध में भी एक बार कभी नीट में पूछा हुआ, एनसीईआरटी में नहीं है, ये हेलोटिज्म संबंध है। हेलोटिज्म संबंध का मतलब क्या हो गया कि दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, लेकिन उसमें से एक रूप थोड़ा ज्यादा प्रभावी है। दोनों एक दूसरे के बिना रह तो नहीं सकते, लेकिन एक थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट है, एक थोड़ा ज्यादा प्रभावी है, और उस हेलोटिस संबंध में फंजाई ज्यादा प्रभावी है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ठीक है, दोनों ही भाईलाचारी पक्की है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन दोनों में से थोड़ा प्रभावी भाईला ज्यादा कहना मानना पड़ता है। किसका ज्यादा प्रभावी है कौन, फंजाई, ऐसे संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। ये बोल रहे इसमें से लैंगिक जनन कौन करेगा, तो रट्टा मारने वाली बात है कि लैंगिक जनन इसमें फंजाई करेगा, ठीक है। और लैंगिक जनन जब इसमें फंजाई करेगा तो वो एक संरचना के द्वारा करेगा जिसको आप लोग बोलते हैं एपोथीसिया। तो ये सीधे के सीधे दोनों तीनों क्वेश्चन ही याद रखने वाले हैं भाई, ये नीट में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। नीट में तो हो सकते हैं, एनटीए का पेपर है तो डेफिनेटली हो सकते हैं। 22वां क्वेश्चन, काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि को बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं, काउपर ग्रंथि को बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये किस में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फीमेल में इसकी जगह पर क्या मिलती है, बार्थोलिन ग्रंथि मिलती है। ये कह रहे हैं कि अगर काउपर ग्रंथि को हटा दिया जाए तो क्या होगा, नो डाउट ये ज़्यादा सीमन का पार्ट तो नहीं बनाता, लेकिन फिर भी ये यूरिथ्रा जो मूत्र मार्ग होता है, उस मूत्र मार्ग में बच्चों अम्लीय पीएच को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, एसिडिक पीएच को मैनेज करता है, और एसिडिक पीएच को मैनेज करता है यानी स्पर्म की गतिशीलता और स्पर्म के जीवित रहने में थोड़ा हेल्प करता है, ठीक बात है। तो सीधा सीधा अगर इसको हटा दें तो क्या फर्क पड़े, इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस में ध्यान रखना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का रोल है, और सेक्स रिकॉग्निशन ना रे, बिहेवियर ना रे, बिहेवियर तो किस पर डिपेंड करेगा, स्टीरोइड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पर, तो यानी स्पर्म पर। काउपर ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि अगर हटा दी जाए तो शुक्राणु प्रभावित होंगे। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही बताना भाई, है ना, अच्छा लग रहा है, रिविजन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब मेरे को ही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मेरे को यूँ लगता है यार इस लॉकडाउन के अंदर थोड़ा ऑनलाइन के थ्रू अपन इंडिया में जहाँ तक के बच्चों तक पहुँच सकते हैं उनको बता सकते हैं, ऐसे रिवीजन होता है वो करना चाहिए प्रयास, और उसमें आप लोग जो हैं इसको लोगों तक पहुँचाइए, बात कीजिए, हेल्प मिलेगी सबको, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 23वां, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा को हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ प्लांटी कहते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांटी, ठीक है। बायोलॉजी रिवाइज हो रही है, नीट अगर मैं कह रहा हूँ साहब ये सीरीज ढंग से कर ली ना, तो नीट वाले पेपर में एग्जाम हॉल के अंदर बैठे बैठे है ना तुम मुस्कुराओगे, अरे यार प्रदीप जी सर ने हमको बताया था नागौर में संस्कार अकेडमी में, और ये सवाल धमाधम वहां से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट में जो मियोसिस होता है वो कहाँ होता है, तो एग में तो होने से रहा एन है, संभव ही नहीं है। एंथीरोजोइड में होने से रहा एन है, संभव ही नहीं है। स्पोर मदर सेल में होता है एक्चुअल में, ये 2N है, एक्चुअल में जाइगोट भी 2N है, लेकिन टेरिडोफाइट में मियोसिस जब होता है तो स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया बोले तो बीजाणु धानी, बीजाणु धानी उसमें होती स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में विभाजन से बनते हैं स्पोर, और एक बहुत 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 ये तो कोई 501 स्टार ही लगा लो बोला, चांद और तारे सारी लिया बोला इसके लिए, तो स्पोर यानी कि बीजाणु, समझने वाले के लिए तो सिंपल है, रटने वाले के लिए रट लेना कि बीजाणु से क्या बनेगा, युग्मोद्भिद बनेगा बच्चों, गैमेटोफाइट बनेगा, और युग्मोद्भिद को यहाँ पर प्रोथेलस कहते हैं, टेरिडोफाइट के युग्मोद्भिद को प्रोथेलस कहते हैं। टेरिडोफाइट का जीवन चक्र डिप्लोहेप्लोन्टिक होता है, ध्यान रखना, टेरिडोफाइट का जीवन चक्र डिप्लोहेप्लोन्टिक होता है। बोलो बात क्लियर है, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं,
अपना क्वेश्चन है 24वां। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि गलत मैच किसको किया गया है। तो ईस्ट से एथेनॉल मिलता है, नो डाउट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। एथेनॉल के साथ में CO2 भी मिलता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक बनाती है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया। पहला एंटीबायोटिक फंजाई से मिला था। फंजाई कौन सी थी भाई, पेनिसिलियम, ठीक है। और पेनिसिलियम से पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिली 1929 के अंदर। किसने बताई, फ्लेमिंग ने बताई। रिवीजन हो रहा है। मिथेनोजन गोबर गैस है। अरे कोलीफॉर्म, ये तो अपने पहले एनटीए में भी आया था। हमने कहा था फीकस के अंदर जो बैक्टीरिया है वो कोलीफॉर्म ग्रुप के हो सकते हैं, और कोलीफॉर्म ग्रुप तो गंदगी करता है, काहे का विनेगार बनाएगा। विनेगार बोले तो एसिटिक एसिड बच्चों, और एसिटिक एसिड जो हैं ये एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है। कोलीफॉर्म ध्यान रखना, गंगा के प्रदूषण का कारण है भाई। गंगा के प्रदूषण का कारण कौन से बैक्टीरिया हैं, किस बैक्टीरिया से पता चला। तो गंगा में जब कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत हो गए, इसका मतलब गंगा प्रदूषित हो गई, ठीक है ना। अब वहाँ पर हम लोग वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं गंगा एक्शन प्लान में, यमुना एक्शन प्लान में, लेकिन वो ठीक है, यूज नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। तो कौन सा गलत मैच किया गया, कोलीफॉर्म एसिटिक एसिड नहीं बनाता, वो तो एसिटोबैक्टर एसिटाई बनाता। अगला क्वेश्चन चलें बच्चों, 25वां क्वेश्चन। डायग्राम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन किसका है, माइक्रोस्पोरेंजिया, 12th का पार्ट नंबर 2, लघु बीजाणु धानी। सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन है। बाहर से अंदर की तरफ चार स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है एपिडर्मिस, ये रहा। दूसरा स्तर होता है एंडोथीसियम। तीसरा स्तर होता है मिडिल लेयर। चौथा स्तर होता है टेपिटम, या फिर टेपिटम के अंदर MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसको PMC भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा NCERT का क्वेश्चन है। एपिडर्मिस दो हो गए, ये अगला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। एंडोथीसियम सही है। आर की बात करें तो ये मिडिल लेयर है, तो ये गलत हो गया, ये अपना आंसर हो गया। ध्यान रखना, इतना अच्छे से जब आपको कोई चीज़ याद हो जाएगी फिर कोई दिक्कत आपको नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजिया किस पर मिलेंगे भाई, एंथर यानी पराग कोश पर मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या, आ रही है, पक्की बात है, ठीक है। अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है बच्चों, 26वां क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण। एक अभी लाइट रिएक्शन का क्वेश्चन था। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, जल का प्रकाशिक अपघटन Mn2+ और Cl- की उपस्थिति में जेड स्कीम के अंदर। अब ये डार्क रिएक्शन का क्वेश्चन है कि डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा होगा। डार्क रिएक्शन में ध्यान रखना भाई, फूड बनता है, और फूड बनता है यानी कि हमारे पास ग्लूकोज है। सबसे पहली बात, डार्क रिएक्शन होती कहाँ है, ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। इसमें ATP यूज आते हैं, CO2 यूज आते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर PGAL फॉस्फोग्लिसरेल डिहाइड बनता है सेकेंड स्टेप में। ध्यान रखना सबसे पहले CO2 और आपका RuBP15 आता है, ठीक है। ये मिलकर बनाता है PGA, ठीक है, 2 मोल PGA बनाता है, और फिर 2 मोल PGA से PGAL बनता है, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप है CO2 का यूज होना यानी कार्बोक्सीलेशन। और यह एंजाइम कौन सा काम आता है, सबका जाना पहचाना, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को। और यहां पर आपके NADPH+ का खर्चा होएगा। बात समझ में आई क्या, डार्क रिएक्शन खाना बनेगा, CO2 तो खर्च होगी, CO2 का तो यूज होगा, ATP खर्च होंगे, और स्ट्रोमा में होती है, दूसरे स्टेप के अंदर PGAL बनता है। बात समझ में आई क्या, अच्छा क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। और इसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ, बोल्टिंग क्या होती है। बोल्टिंग ध्यान रखना, सीधा सीधा मैं बता दूं, यह हार्मोन का क्वेश्चन है, जिब्रेलिन का क्वेश्चन है, ठीक है। जिब्रेलिन क्या करता है, जब पत्तियां बहुत पास पास आ जाती है तो उसको बोलते गुलाबवत प्रकृति, रोजेट नेचर,
ठीक है, पत्तियां बहुत पास पास आ जाती है, तो रोजेट नेचर होती है, और उस रोजेट नेचर को दूर करने के लिए पर्व का दीर्घीकरण किया जाता है, इंटरनोड का दीर्घीकरण किया जाता है। और ये मेनली दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चुकंदर और पत्ता गोभी, ठीक है, चुकंदर और पत्ता गोभी, शायद यही होने चाहिए, एक आध कोई ऊपर नीचे हो तो देख लेना। पर्व का दीर्घीकरण गुलाबवत प्रकृति को दूर करने के लिए जिब्रेलिन द्वारा किया जाता है, इसी को बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं। तो सीधा सीधा आंसर दूसरा हो गया, समझ में आ गई, जिब्रेलिन का फेमस क्वेश्चन है। जिब्रेलिन वैसे भी दीर्घीकरण से, कोई भी कह देना दीर्घीकरण का क्वेश्चन का सोल्व करना काम किसका है, जिब्रेलिन का है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन लेते हैं, लार का संगठन कौन सा नहीं है, लार की पीएच ध्यान रखना 6.8 है, ब्लड की पीएच मैंने आपको 7.4 बताई थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सीधे सीधे नीट में आएंगे। आप तो इस रिवीजन सीरीज को रिवीजन कर लेना, किताब पकड़ के और साथ साथ में पढ़ते रहना, मैं सही बता रहा हूं, जबरदस्त वाली हेल्प मिलेगी। और दूसरों को ये शेयर करते रहना, संस्कार एकेडमी नागौर सबसे अच्छा रिवीजन सीरीज एनटीए का लेकर आया आपके लिए, ठीक है, और अपने बच्चों के लिए और सब बच्चों के लिए, जो भी पढ़ना चाहता है वो सब अपने ही बच्चे हैं, ठीक है। अगली बात, तो लार के अंदर सॉल्ट होते हैं, ये सॉल्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। लार के अंदर एमाइलेज होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ध्यान रखना लार में शुरू होता है, और लगभग 30% स्टार्च को लार में पचाया जाता है। पचाने वाला एंजाइम कौन है, एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में शुरू होता है लार के द्वारा, ध्यान रखना एमाइलेज के द्वारा, ठीक है, और उससे आपको मिलता है माल्टोज और लिमिडेक्सिन। सब ध्यान है आपको, आप तो होशियार बच्चे हो, डॉक्टर बनने वाले हो, रिवीजन करने वाले हो, एनसीईआरटी साथ लेके बैठे हो। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को खत्म करता है, म्यूसिन म्यूकस से रिलेटेड बात कर लें, थायोसाइनेट ध्यान रखना, एंटीबॉडी आईजीएम नहीं होती लार में, यहाँ पर आईजीए और आईजीजी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट बना लेना, लिख लेना। अगला क्वेश्चन 29वां, कोशिका भित्ति कुछ नहीं कहे तो पादप की मानेंगे, और पादप की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होता है, ध्यान रखना लिपिड नहीं होता, ट्यूब्यूलिन नहीं होता, लिपिड नहीं होता, तो अपने आप ये ऑप्शन हो गया। लेकिन इसके साथ में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ने कहा वो जरूर याद रखना, प्रोटीन भी होता है, पेक्टिन को पादप की सीमेंट भी कहते हैं, प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। लिग्निन मेनली द्वितीय कोशिका भित्ति में आता है, ये भी ध्यान रखना। तो पादप की कोशिका भित्ति में लिपिड नहीं होता, हाँ कोशिका झिल्ली में जरूर होता है। ट्यूब्यूलिन तो प्रोटीन है, ये आपके तर्कुतंतु में और सूक्ष्म नलिकाओं में काम आएगी। 30वां क्वेश्चन इस रिवीजन सीरीज का, मेंडल बाबा आ गए जेनेटिक्स से, डाइहाइब्रिड क्रॉस से। मैं हमेशा कहता हूँ डाइहाइब्रिड क्रॉस का आपको चेकरबोर्ड हमेशा याद होना चाहिए, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपको हमेशा याद होना चाहिए, मेरे को तो याद है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि एफ टू जनरेशन में कितनी संततियां होगी भाई, 16, ठीक है। अब 16 में से ये कह रहा है कि ये किस तरीके से होगी, तो आप इसको देखो, मोनोहाइब्रिड की जब मैं बात करूं तो मोनोहाइब्रिड संतति यहां पर 2 होती है, तो 2/16। डाइहाइब्रिड, ठीक है, ये 4 होती है, 4/16, ये मोनोहाइब्रिड 2/16, और ये भी मोनोहाइब्रिड लाड लो 2/16। अगर इस तरीके से अपन सॉल्व करें, गलत, ठीक है, और पहले में 1/8 ठीक है, दूसरे में 1/4 ठीक है, तीसरे में 2/8 गलत, ये आंसर पहला हो गया। ये आपको याद होगा, तो आपको इसको मैंने कैसे सोल्व किया आप समझ लेना, आपके अपने आप आंसर आ जाएगा। बच्चों ये NTA 2 सीरीज आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको कोई सजेशन हो तो बताइएगा। रैपिड रिवीजन 1 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रैपिड रिवीजन पे आ जाते हैं।
रैपिड रिवीजन पे आ जाते हैं। रैपिड रिवीजन में क्या कहते हैं, इन क्वेश्चन को वापस लेते हैं। भ्रूणोद्भव जब बनेगा युग्मनस से तो कोशिका विभाजन यानी तेज कोशिका विभाजन विदलन भी होगा और विभेदन भी होगा जो कि गैस्ट्रुला में शुरू होता है। सबसे ज्यादा जीव विविधता वाला अणु प्रोटीन है क्योंकि 20 तरीके के एमिनो एसिड और उनकी सिक्वेंस से बनने वाले प्रोटीन बहुत तरह के हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड की यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। लिपिड हमेशा मोनोमर की बात करता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम में जल के फोटोलाइसिस से बनेगी। पहला ऑक्सीजन मुक्त करने वाला जीव बीजीए था। फोटोसिंथेसिस वाला पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय गैस है फिर भी उससे ब्लड की पीएच क्षारीय ही रहती है, एसिडिक नहीं होती। इसका कारण बफर इफेक्ट है। CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड प्लाज्मा गुलित से 7% होता है। जब एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो जंतुओं को पालना है। बीपी बहुधमनी में स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। बीपी जब बहुत ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन होता है और अपना ऑर्गन फट सकता है, किडनी ब्रेन कुछ भी। डीएनए के अंदर जब पूरकता की बात करते हैं, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पूरकता के सिद्धांत पर चलते हैं, ट्रांसलेशन नहीं चलता है। पूरकता में ए और टी और जी और सी ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल पर बात करते हैं। कॉलर सेल या कोइनोसाइट स्पंज की स्पंजोसील में पाई जाती है। हर मछली मछली नहीं होती जैसा कि जेलीफिश निडेरिया में आता है, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं PCR मुलिस ने खोज की और PCR एक इन विट्रो DNA रेप्लिकेशन है जिसमें पहले DNA को 2 स्ट्रैंड बनाया जाता है, फिर 2 प्राइमर जोड़े जाते हैं और फिर उसका विस्तार किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप में से 9वें स्टेप में जाकर जल निकलता है जब 2PGA से PEP बनता है। ध्यान रखना ये बात। और ग्लाइकोलाइसिस श्वसन का पहला चरण है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। जंक्शन सामान्यतः उपकला ऊतक में पाए जाते हैं। सेल जंक्शंस इन सीटू कंजर्वेशन मेनली वहां पर जहां जीवों को उत्पत्ति होती है, जहां वो रहते हैं प्राकृतिक आवास में, और अगर वहां नहीं रह पाते तो उन्हें एक्सीटू कंजर्वेशन में किया जाता है। बायोस्फीयर नेचुरल सेंचुरी ये सब इन सीटू कंजर्वेशन है। जोजोबा सिमोंडेसिया चाइनेंसिस एक ऐसा पादप है जिसके बीजों से लुब्रिकेशन की बात होती है, मोम मिलता है। परगनली शिशु में, टेस्ट ट्यूब बेबी में, लैब के अंदर जाइगोट बनता है और फिर भ्रूण को निश्चित अवस्था में यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पंप की बात होती है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्सोलिमा पर जब काम करता है तो ATP के खर्चे से 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं। ECF और एक्सोप्लाज्म की बात होती है। कीड़ों को नियंत्रित करने वाला बैक्टीरिया BT है और कवक की बात करें तो वो ट्राइकोडर्मा है, उसमें क्राई प्रोटीन और क्राइजीन की बात होती है। सार्कोमियर ऐच्छिक पेशी की क्रियात्मक इकाई है, 2 Z-लाइन के बीच की दूरी को बताता है। एडिनोसिन डी एमिनेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, लिम्फोसाइट टी बनाती है, अगर कमी हो गई तो SCID रोग हो जाता है। इसको जीन थेरेपी से आजकल उपचारित करते हैं, सबसे अच्छा तरीका भी वही है। नाइट्रोजन अक्रिय है, उसको यूज करने का तरीका केवल बैक्टीरिया कुछ एक के पास है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। राइजोबियम फेमस एग्जाम्पल है। पेटोनिया एक डेकोरेटिव प्लांट है और टोबेको एक निकोटीन देने वाला एल्केलोइड देने वाला पादप है, सोलोनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लाइकेन में लैंगिक जनन फंजाई करता है, फंजाई में एपोथीशिया नामक स्ट्रक्चर करती है। लाइकेन सहजीवन है, सिम्बायसिस है, लेकिन फिर भी उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फंजाई एल्गी पे थोड़ा सा डोमिनेंट होता है, ये संबंध हेलोटिज्म कहलाता है। काउपर ग्लैंड बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि मेल में पाई जाती है, उसकी जगह फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड होती है, और अगर इसको हटा दिया जाए तो स्पर्म थोड़ा सा प्रभावित होगा। मेरे लाडलो टेरिडोफाइट की बात करें तो रेप्टाइल्स हैं और इसमें मियोसिस जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर SMC में होगा और जिससे अगुणित मेल गैमेटो एक अगुणित गैमेटोफाइट यानी प्रोथिलस का निर्माण होगा। कोलीफॉर्म गंगा को प्रदूषित करने वाले बैक्टीरियों का समूह है, ये BOD को बढ़ाते हैं। ये फीकस की बात करते हैं, विनेगर एसिटिक एसिड नहीं बनाएंगे, वो तो एसिटोबैक्टर एसिटिया एसिटाई बनाएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर का भाग है, बाहर से अंदर की तरफ 4 परत हैं, एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिलेयर टेपिटम और उसके बाद अंदर स्पोर मदर सेल्स की PMC MMC की बात होगी। डार्क रिएक्शन में भोजन बनता है, स्ट्रोमा में संपन्न होता है, CO2 ATP का यूज होता है।
करना है, यहाँ पे पहले स्टेप में पीजीए, दूसरे स्टेप में पीजीएल, तीसरे स्टेप में रीजनरेशन, और उसी दौरान ग्लूकोज बन जाता है। बोल्टिंग प्रभाव जिबरेलिन की बात करता है और रोजेट प्रकृति को दूर करने की बात करता है इंटरनोड के इलोंगेशन के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद में लार के अंदर हल्की सी एसिडिक पीएच होती है, लार में आईजीएम एंटीबॉडी नहीं होती, उसकी जगह आईजीए और आईजीई होती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, सलाइवरी एमाइलेज, थोड़ा बहुत साल्ट भी होता है। सेल वॉल में थोड़ी सी प्रोटीन होती है, लिपिड नहीं होती है प्लांट के अंदर। लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल में आती है, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन लिग्निन क्यूटीन सुबेरिनिन की बात होती है। मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको याद होगा, अगर चेकर बोर्ड तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ये रिविजन सीरीज कैसी लगी? आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, डॉक्टर बनने तक रुके नहीं, ना हम रुकेंगे ना आप रुकेंगे, थकेंगे नहीं तो सफलता जरूर मिलेगी। सपनों का पीछा करते रहो, संस्कार एकेडमी नागौर, मैं प्रदीप आपके साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय जी।